दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम लोग बनाएंगे चीज़ी स्पिनच मशरूम सैंडविच। तो अगर आपको मशरूम पसंद है तो ये सैंडविच आपके लिए एकदम बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाता है, इजीली बनता है और बहुत ही हेल्दी और मज़े का सैंडविच है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सैंडविच। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये एक बोल पालक है जिसे मैंने अच्छे से धोकर और छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। अब लेते हैं अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि है मशरूम। इसे भी मैंने अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए इन सैंडविचेस के लिए। तो देखते हैं और हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए लगभग 2 छोटी चम्मच लहसुन का, जिसे मैंने छोटे छोटा चॉप कर लिया है। और ये लगभग आधी कटोरी चीज़ का है, मैंने यहाँ पर अमूल का डाइस चीज़ यूज़ किया है। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच बटर डाला है। बटर के थोड़ा सा पिघल जाने पर अब मैं इसमें आधी बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो जब भी आप बटर यूज़ करें कुकिंग के लिए, थोड़ा तेल उसमें ज़रूर डालें, वरना बटर आपका जल जाता है। ये सैंडविचेस बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और आप इसे पैक करके उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप देखिए, हमारा बटर गर्म हो चुका है। इस समय अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। गार्लिक का इन सैंडविचेस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस बात का ध्यान रखें कि गैस स्टोव को लो फ्लेम पर ही हमें रखना है। अब धीमी आँच में लगभग 1 मिनट के लिए हमें लहसुन को हल्का सा सॉटे करना है। एक अच्छी सी फ्लेवर और खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है जब आप बटर में लहसुन को सॉटे करते हैं। लहसुन अब सॉटे हो चुका है। अब इस समय हम इसमें अपने मशरूम डाल देंगे और साथ ही साथ गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इस समय मशरूम को हमें अब सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि वो हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें मशरूम को। देखिए, जैसे जैसे मशरूम पक रहे हैं वो पानी अपना छोड़ रहे हैं। इस समय हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हिलाते हुए सॉटे करना है। मशरूम अब हमारे सॉटे हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। इस समय हम अब इसमें अपनी पालक डाल देंगे। पालक और मशरूम का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और स्पेशली जब हम उसमें गार्लिक डालते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग ही होता है। इसे मिक्स करते रहिए अच्छे से, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और लगभग आधी छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, इसी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे अच्छे तरीके से धीमी आंच में सॉटे करें। इस मिक्सचर को तब तक हमें सॉटे करना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए। तो अब ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ये मिक्सचर आप देखिए ठंडा हो चुका है। इसमें अब मैं 2 छोटी चम्मच मेयोनीज डाल रही हूँ। मेयोनीज मैंने अब इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो हमारे सैंडविच की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के, आप चाहें तो वाइट ब्रेड ले लीजिए। अब मैं इसमें अच्छे तरीके से ये पालक और मशरूम का मिक्सचर लगा रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मैं ब्रेड की चारों तरफ ये मिक्सचर लगा रही हूँ। अब हम इस पे चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। जितना आपको चीज़ पसंद हो उस हिसाब से आप चीज़ डालिए। मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी ब्रेड स्लाइसेस में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस ब्रेड स्लाइस को कवर कर दीजिए दूसरे स्लाइस से, और इसी तरह से अब हम दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। ये सैंडविचेस हम ग्रिल टोस्टर पर बनाएंगे, पर अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सेम सैंडविचेस तवे पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लगभग मेरा ये सैंडविच भी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छी तरीके से मैं इसके ऊपर स्पिनच और मशरूम का जो मिक्सचर है लगा रही हूँ।
और ये एक अच्छा तरीका है बच्चों के फूड में, उनकी डाइट में स्पिनच और मशरूम इंक्लूड करने का, क्योंकि सैंडविच के फॉर्म में और चीज़ के साथ अगर उन्हें आप सब्जियां देंगे तो वो ज़रूर उसे खाएंगे और मज़े के साथ खाएंगे। अब मैं अपना बेस्ट पार्ट कर रही हूँ, अपना चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है। आपको चीज़ कैसा लगता है प्लीज़ बताइए, और ये सैंडविचेस ज़रूर बनाएं और मुझे बनाने के बाद उनकी पिक्स भेजें, जो उसमें से बेस्ट पिक्स होंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से दोनों स्लाइसेस हमारी रेडी हो गई। अब मैं टोस्टर के ऊपर लगभग एक छोटी चम्मच तेल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप सेम प्रोसेस तवे के साथ करिए, तवे पे तेल डालिए और सैंडविचेस को उस पे सेक लीजिए। अब एक एक करके ब्रेड स्लाइसेस को टोस्टर पर रखिए और देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, कितनी जल्दी हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, बातों बातों में पता ही नहीं चला और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। अब इसके ऊपर भी एक एक चम्मच तेल लगाइए। तो बस अब हमें और कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर हमने तेल लगा दिया है, सैंडविचेस टोस्टर में रख दिए हैं, अब बाकी का काम तो टोस्टर करेगा, यानी कि सैंडविच रेडी है ऑलमोस्ट खाने के लिए। तो हमारे चीज़ी स्पिनच मशरूम सैंडविच अब बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। सेम प्रोसेस से आप तवे पे बना लीजिए, सेम ही टेस्ट आएगा, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये सैंडविचेस। एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसकी पिक्स मुझे मेल करें, मुझे भेजें, जो बहुत ही अच्छी पिक्स होंगी उन पिक्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक देना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट और रेसिपी मिस ना हो।